नमस्कार, मैं जितेंद्र जैन और आप देख रहे हैं खबर समय जगत। आइए नजर डालते हैं आज की कुछ ताजा तरीन खबरों पर। तलीन, राजगढ़ जिले की नगर तलीन में शासन के आदेश का पालन सिर्फ कागज पर ही होता है। नगर में प्रतिदिन अपार भीड़ देखी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि नायब तहसीलदार एवं नगर परिषद की टीम नगर में नहीं घूमती, लेकिन उनके घूमने का एक समय निश्चित है। उस समय पर घूमकर औपचारिकता पूरी की जा रही है। दुकानदारों द्वारा दुकान के आगे ताला लगाकर पीछे से सामान का क्रय विक्रय धड़ल्ले से किया जा रहा है। जब प्रशासन की टीम ग्राउंड पर निकलती है, तभी कुछ कर्मचारियों द्वारा निजी भड़ास निकालने के लिए बेही दुकान चिन्हित करते हैं, जिनसे उनकी पुरानी अनबन होती है। कर्मचारियों के द्वारा दुकान से सामान बेचने वालों को दौरे पर निकलने के पहले सूचना देकर सतर्क रहने की भी बात कह दी जाती है। खास बात तो ये है कि नायब तहसीलदार की भाषा और कार्यशैली से भी आमजन परेशान है, लेकिन खुलकर बोलने में उन पर कार्रवाई होने का उन्हें भय रहता है, जिससे लोग बोल नहीं पाते हैं। पर दबी जुबान से यह तो कहते हैं कि नायब तहसीलदार बदतमीजी से पेश आते हैं। कई लोगों ने नाम नहीं छापने की शर्त पर बताया कि हम पहले ही काफ़ी परेशान हैं और नायब तहसीलदार द्वारा हमारे साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, जबकि नगर में अपार भीड़ प्रतिदिन बनी रहती है। दुकानदारों का चल रहा है, आप फोटो देखकर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस प्रकार कोरोना कर्फ्यू का पालन हो रहा है। लोगों का यह भी कहना है कि नगर में प्रतिदिन लगी रहने वाली भीड़ को हटाने में प्रशासन नाकाम साबित हो रही है। खबर समाज जगत के लिए तलीन से रईश मंसूरी की रिपोर्ट। फॉर लेटेस्ट न्यूज सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड प्रेस द बेल आइकॉन।